Alright, so after covering the introduction area of NBFC, now we are going to start with the forms of businesses. ठीक है, हमने इसके ऊपर बात की कि ये आपका area कोई around 10 to 15 marks का test होता है. ठीक है, आपका एक open book examination है, लेकिन एक बात बड़ी important ये है कि अगर हम जो है वो कुछ areas को retain नहीं करेंगे तो open book examination would not help. ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि किस section में क्या चीज़ लिखी है, कौन सी चीज़ कहाँ है. ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें रिटेन होनी चाहिए, और रिटेंशन के लिए ठीक है हम जो है वो समरीज और फ्लो चार्ट्स के थ्रू इसको जो है वो इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले इस फ्लो चार्ट की इसकी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हैं इसको मैं जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर हम इसकी डिटेल में और इंटीग्रिटीज के अंदर जाएंगे. तो बेसिकली आपके पास दो तरह की यहाँ पे चीज़ें वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस अवेलेबल है, NBFCs अवेलेबल है, लैंडिंग फाइनेंशियल NBFC और इन्वेस्टमेंट और फंड मैनेजमेंट NBFC. When we talk about lending financing NBFC, तो यहाँ पे आपके पास leasing services है, investment finance services है, housing finance services है और discounting services. ठीक है, ये lending और financing NBFC का part. और जब मैं बात करता हूँ investment fund management NBFC का, तो यहाँ आपके पास investment advisory services है, asset management services है, real estate management services है, private equity and venture capital fund है, और pension scheme है. अच्छा, जब मैं लीजिंग फाइनेंसिंग लीजिंग सर्विसेज की बात करता हूँ, तो इसमें आपके पास जो भी फाइनेंसिंग आप ऑब्टेन करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग लीज पे, फाइनेंस लीज पे या इजारा के ऊपर, ठीक है, ये सर्विसेज आपकी कहाँ कवर्ड होंगी? लीजिंग के अंदर. अच्छा, अगर आप फाइनेंसिंग ऑप्टेन करते हैं थ्रू कन्वेंशनल, ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग सर्विसेज के अंदर क्या होगा? एनी फाइनेंसिंग सर्विस एनी फाइनेंस ऑप्टेन थ्रू कन्वेंशनल और इस्लामिक मींस, ठीक है, ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, कन्वेंशनल बेसिस पे भी कर सकता है और इस्लामिक बेसिस के ऊपर भी कर सकता है. अच्छा, हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द परचेज ऑफ अ हाउस और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, ये अभी हम ब्रीफली बात करें, इसके अंदर डिटेल में अभी हमें जाना है. और डिस्काउंटिंग सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, तो इट कवर्स द डिस्काउंटिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. अच्छा, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट या फंड मैनेजमेंट NBFC की, और उसमें अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज की, तो इसका काम ये है कि इट डज द मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो. अब डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो क्या होते हैं, नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो क्या होते हैं, इसके ऊपर बात हम करेंगे. फिर अगर हम बात करें एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज की, तो मैनेजमेंट ऑफ कनेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, अगेन नाउ व्हाट इज कनेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इस पर भी बात होगी, लेकिन इट हैज गॉट टू फॉर द टाइम, क्लोज एंड फंड और ओपन एंड स्कीम. अच्छा, अगर हम बात करते हैं रियल एस्टेट मैनेजमेंट सर्विसेज की, रीच की अगर हम बात करें, तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये क्या करती है, मैनेजमेंट ऑफ रियल एस्टेट करती है. अब इसमें फर्दर थ्री टाइप्स हैं, डेवलपमेंट, रीड, रेंटल रीड और हाइब्रिड. ठीक है, इनके ऊपर अभी हमने डिस्कशन करना है. और फिर अगर हम बात करते हैं प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड की, तो इसका क्या काम है, मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट फंड्स. ठीक है, इसकी डिटेल के अंदर भी हम जाएंगे. और फिर फाइनली अगर हम बात करें पेंशन स्कीम के अंदर, तो इसका काम यह है कि ये मैनेजमेंट करती है पेंशन फंड की.